वॉल्यूम का चेंज होता है बट तभी भी ये दोनों अपोजिट क्यू है पूरा जानेंगे इस वीडियो में और विदाउट स्किपिंग वॉच द वीडियो टिल द एंड ब्रश योर कॉन्सेप्ट इन रिज योर नॉलेज इफ आर न्यू माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट बिकॉज आई एम कमिंग टाइप्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इन स्विंकेज आई टॉक अबाउट इन दिस मैनर

पानी ज्यादा होगा मतलब वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा मतलब वाटर कंटेंट तो एक एलिमेंट की तरफ से अगर बोलेंगे तो क्या होगा अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है सॉयल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है दिस नोन एज योर स्विंगज वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है सॉइल वॉल्यूम तभी भी आई मीन चेंज हो रहा है दैट फिनल नोन एज ए स्वेलिंग ऑपोजिट मतलब क्या है स्विंकेज में वाटर परसेंट रिड्यूस हो रहा है स्वेलिंग में वाटर परसेंट ज्यादा हो रहा है तो ये बोथ ऑपोजिट टू ईच अदर आया समझ हाँ और ना चल ठीक है तो ये है बेसिकली स्वेलिंग तो स्वेलिंग क्या है अगर मैं वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे जनरली, दिस इज योर श्रिंकेज दिस इज योर प्लास्टिक लिमिट तो ये जो पोजीशन है मतलब तो स्टार्ट होना जाता है ये जो पोजीशन है इस जोन में ये स्वेलिंग स्टार्ट होता है और कैसे होता है सर देखो कैसे होता है ये दो पार्टिकल है ये पानी है पानी थोड़ा ज्यादा हुआ, सॉयल पार्टिकल नजदीक आया चलो अच्छे से ड्रॉ करते हैं फिगर वन दिस इज योर सॉयल पार्टिकल दिस इज योर वाटर ये टेंशन यहाँ पे काम कर रहा है टेंशन यहाँ पे काम कर फिगर टू में क्या हो गया नजदीक आ गया क्यों आगे वो बता रहा हूं पानी और ज़्यादा हो गया पानी ज़्यादा हो गया मतलब टेंशन ज़्यादा हो गया रिएक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया तो थोड़ा नज़दीक आ जाएगा राइट अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा हो रहा है मतलब सॉयल सबमर्ज हो गया डूब गया तब क्या होगा अगर नज़दीक आने में नज़दीक आने में क्या होगा ये इस दोनों के अंदर कल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा अगर कल्यूशन हो जाएगा तो ये जो मेनिस्क है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये पूरा फंक्शन चलता है वेरी कॉम्प्लेक्स है ठीक है बट अगर आप कह सकते हो वट डू मीन बाई स्वेल, स्वेलिंग इज इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज नोन एज सोइलिंग ठीक है swell? so, content, volume, swelling, और ये स्वेल कहां होता है दिस हैपन इन द प्लास्टिक लिमिट, ओके जैसे हमने बात किया था सॉयल स्ट्रक्चर के बारे में काउलीनाइट इलाइट माउंट बोलोराइट काउलिनाइट इलाइट मॉन्टबलोराइट के आई एम तो अगर मान लो माउंट है अगर कोई सॉयल के अंदर ज्यादा माउंट है तब क्या होगा तब क्या होगा सिंपल से बात है भाई मैक्सिमम स्विंकेज होगा मैक्सिमम स्वेलिंग होगा बट ये रिवर्सिबल होगा मतलब क्या बोलूँ मैं श्रिंकेज हो गया फिर पानी दे पानी ऐड हो गया सोइल हो जाएगा फिर सोइल हो गया पानी आप रिड्यूस कर दिया तो फिर श्रिंकेज हो जाए तो ये ना अगर मॉडल प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा तो रिवर्सिबल श्रिंकेज एंड सोइलिंग हो सकता है बट अगर ये क्ले है और काउल है तब क्या होगा इनिशियली ज्यादा स्विंकेज होगा स्विंकेज ज्यादा होगा बट स्वेलिंग कम होगा क्यों होगा सर बिकॉज इन दिस स्ट्रक्चर इन दिस स्ट्रक्चर अगर वो बात क्या मैंने पता है फ्लॉकुलेशन डिस्पर्स तो मान लो एक बड़ा फ्लॉकुलेट डिस्पर्स सॉइल स्ट्रक्चर फ्लॉकुलेंट से डिस्पर्स हो गया मतलब फ्लॉकुलन मत ऐसा था और डिस्पर्स था ऐसा ऐसा तो फ्लॉकुलन में तो वाइट ज़्यादा है पानी ज़्यादा रहेगा अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो मतलब वही क्वेश्चन ज़्यादा होगा डिस्पर्स हो गया मतलब पानी रिड्यूस हो गया पानी रिड्यूस हो गया सर्फेस टेंसन रिड्यूस हो गया सर्फेस टेंसन रिड्यूस हो गया मतलब ओ क्वेशन वो भी कम हो जाएगा तो ये स्प्रिंक हो गया बट एक अब अगर सॉइल अगर फ्लॉकुल से डिस्पर्स हो गया तो यह कभी रिवर्स डिरेक्शन में नहीं आएगा सो दैट इज वाई काइट अगर सॉयल पार्टिकल में ज्यादा रहेगा तो स्विंकेज ज्यादा होगा बट स्वेलिंग कम होगा ठीक है सो यथ इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट द स्विंकेज आई मीन सॉरी स्वेलिंग सो आई होप दे नो डाउट इफ देर इज ए डाउट डू कमेंट इन काउन सेक्शन एक डाउट हो सकता है आई मीन स्विंकेच और सोइलिंग में बट चीज़ें दोनों सेम हैं बट वाटर कंटेंट एक में रिड्यूस हो रहा है एक में ज्यादा हो रहा है बस डेट्स इट एंड सेम फीचर्स है जैसे मैंने कहा स्विंक डिपेंड करोइलिंग में डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर में डिपेंड करेगा वॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ क्ले के ऊपर डिपेंड करता है ये सेम टू सेम ही है तो वेल सो इफ जयसे वेलकम डू कम आई विलेटली गेट बैक टू यू अपडेट बिकॉज आई एम कमिंग विद्स ऑफ वीडियो ऑलमोस्ट एवरीडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिसो मोर नॉलेज मोर अपॉर्चुनिटी